नमस्कार, लीगली स्पीकिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा मिश्रा। आज हम बताएंगे बालासोर ट्रेन दुर्घटना में सीबीआई ने रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जी हां, केंद्र जांच ब्यूरो सीबीआई ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट भुवनेश्वर की अदालत में 3 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अधिकारियों को 7 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया गया था और वे वर्तमान में बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन बालासोर उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना से संबंधित मामलों की चल रही जांच के में न्यायिक हिरासत में हैं। अधिकारियों में तत्कालीन वरिष्ठ अनुभागीय अभियंता एसएसई प्रभारी बालासोर अरुण कुमार महंत, तत्कालीन एसएसई और सोरो एमडी अमी खान और तत्कालीन टेक्नीशियन बालासोर पप्पू कुमार शामिल है। मामले की जांच के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर आईपीसी की धारा 304 भाग 2 गैर इरादतन हत्या, आईपीसी की धारा 34R(W) 201 समान इरादे से अपराध के सबूतों को गायब करना और रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 153 जानबूझ के कार्य या चूक द्वारा रेलवे से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा के खतरे में डालना का मामला बनाया गया था। रेल मंत्रालय के अनुरोध में उड़ीसा सरकार की सहमति और कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और ट्रेन दुर्घटना के संबंध में डीओपीटी भारत सरकार के अगले आदेशों के बाद सीबीआई ने 6 जून 2023 को तत्काल मामला दर्ज किया था। 2 जून 2023 को उड़ीसा राज्य के बहनागा बाजार में मालगाड़ी दुर्घटना के संबंध में पहले ही जीआरपीएस केस संख्या 64 दिनांक 3 जून 2023 के तहत बालासोर जीआरपीएस जीआरपीसी कटक उड़ीसा के में मामला दर्ज किया गया था। बड़ी साजिश और अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता के पहलुओं पर आगे की जांच खुली रखी गई है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह लीगल न्यूज के अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।